अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज मैं बनाऊंगी मटन की निहारी और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनेगी। चलिए आप भी, आपको मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। जिसके लिए 2 किलो मैंने मटन ले लिया, इसमें हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी लिया हुआ है मैंने बकरे का गोश्त। और फिर इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून मैदा लिया हुआ है और मैंने 1 पैकेट लिया है निहारी का, हसबी ज़रूरत नमक है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 प्याज ली हुई है मैंने। कुकर के अंदर अब मैं सारा गोश्त डाल दूंगी और गोश्त डालने के बाद फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन डालूंगी और अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। गोश्त हमारा बॉयल हो जाएगा। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी। तो फिर इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी और ये देखिए प्याज हमारी हो गई है। तो अब इसके अंदर फिर मैं अदरक लहसुन डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना। इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी, इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो बॉयल हुआ हुआ गोश है वो सारा डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो मसाला है निहारी का वो डाल दूंगी और इसके अंदर ही मैं नमक डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद जो गोश्त की यखनी थी वो सारी यखनी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और हमें चूल्हा एकदम फास्ट ही रखना है। इसके अंदर हमें हल्का चूल्हा नहीं रखना। तो ये सारी यखनी डाल के मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। अब मैं इस फ्राई पैन के अंदर जो मैदा है उसको मैं सेक लूंगी। मैदे को हमें मतलब कि बिल्कुल हल्की आंच में रखना है और उसके बाद हमें इसको हिलाते ही जाना है, कहीं से जल ना जाए या कहीं से डार्क कलर ना हो जाए। अभी देखिए अब ये हो रहा है, हल्का कलर हो गया है। इस तरीके से हल्का ब्राउन हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पकेगा तो फिर ये ब्लैक निहारी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर ये सारा जो बैटर था ये इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी और इसको मैं इस तरीके से ही फास्ट चूल्हे के अंदर पकने के लिए रखूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से हो जाएगी। और देखिए अच्छे से हमारी हो भी गई ग्रेवी। अभी इसको मैं हल्की आँच में रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक, जिससे हमारी निहारी माशाल्लाह अच्छे से पक जाएगी। और निहारी के जो ऊपर चीज़ें डालते हैं वो चीज़ें सारी मैंने काट ली हैं, धनिया पुदीना मिर्ची और अदरक और लेमन। ये देखिए हमारी मज़ेदार निहारी तैयार हो गई है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, अभी कराईत में ये बहुत ही मज़े की बनी है। चलिए फिर, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।